बैलेंस इंक्वायरी 3200 बैलेंस लिख के आ गया है। तो आज पूरे जो है 19 महीना हमको हो गए हैं, इतने दिनों में भाई मेरे हाथ में सैलरी नहीं है। तो इसमें जो है 2 54 है, ये देखो, और 1 58 है। तो ये भाई खजाना इसमें भरा हुआ है, ये 32,000 का भाई पूरा सामान है। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई व्लॉग। गाइज, अभी सुबह के भाई बज गए हैं 8:30 और अभी हम हो गए हैं रेडी ड्यूटी पर जाने के लिए। तो अभी जाएंगे मैडम को लेके ऑफिस। तो अभी हमारे पास 15-20 मिनट है, तो इतने में चल के जो है थोड़ा अंदर से गाड़ी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि जो इनकी छोटी वाली लड़की है, इसको जब स्कूल से वापस लेके आते हैं तो ये जो है खाने पीने का जो सामान बचता है वो अपना गाड़ी में खाना शुरू कर देती है, वही फिर जो अंदर गिर जाता है तो गंदा हो जाता है। तो शाम को जब मैडम को रिसीव करने गए तो मैडम बैठी गाड़ी में, देखी कि जो है सब पूरा अंदर गंदा ही गंदा है, सीट पे भी गंदा, नीचे भी गंदा है। बोली ये सब किसने के, हमने कहा जो ताला है ना वो अपना जो लंच बचता है वो खाती रहती गाड़ी में, वही गिर जाता है। फिर मैडम बोली कि जो है अभी चलते हैं घर, उसके बाद तुमको देंगे मशीन, तो उसी मशीन से पूरा साफ़ कर देना, सब खींच लेगी मशीन तो एकदम साफ़ हो जाएगी। हमने कहा ठीक है। जब वहाँ से लेके आए इनको तो ये भाई घर के अंदर चली गई, खाना पीना खाने लगी, ध्यान नहीं दिया इन्होंने, हमने भी नहीं ध्यान दिया, हम भी चले अपना गार्डन में, उधर अपना घूमते टहलते रहे, जो है शाम को भूल गए। आप जो है सोच रहे कि चल के जल्दी से साफ़ कर दें, वरना भी जो है गाड़ी में बैठेंगे वो फिर जो है याद दिलाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो चलो भाई चलते फटाफट साफ़ कर देते हैं, उसके बाद फिर इनको ले चलते हैं ऑफिस। वैसे ज़्यादा गंदा नहीं, नीचे सब थोड़ा सा गंदा, बस यही क्लीन करना है बस। इनकी सिंहासन वाली सीट जो है ना वो भी साफ़ कर दें, ताकि जो है गंदी ना रहे। चलो सफ़ा हो गई, बस खलास हो गया। चलो भाई सफ़ा हो गई। मैडम को भाई लेके आ गए हैं अभी ऑफिस। आज हमारा प्लान था बता जाने का, लेकिन जो है कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक बंदा गया, उसी से हमने अपना सामान मंगवा लिया, और सामान भाई आएगा दोपहर तक, 1 बजे के आसपास आ जाएगा, और जो भी भाई आएगा वो आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन 1530 रियाल हमने उसको दिया है। 1530 रियाल का मतलब है तकरीबन 32-33,000 रुपये बनेगा। तो पूरे पैसे का हमने जो है सामान मंगवाया है, सामान का नाम अभी नहीं बताएंगे, सिर्फ दिखाएंगे आप लोगों को। और आज है भाई जुम्मेरात, तो आज जो है बच्चों की छुट्टी भी जल्दी होगी। आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है, बदली हो रखी है, ये देखो थोड़ी थोड़ी टाइम पे जो है बदली हो रही, धूप खुल रही, तभी तो फिलहाल बदली है। रूम से हम जब चले थे तो घाम खुला हुआ था, यानी धूप खुली हुई थी, तो अभी जो है बदली हो रखी है। तो भाई अभी चलते हैं ATM पे, रुकते हैं, क्योंकि भाई वहाँ पे हमको अपनी सैलरी चेक करना है। कल दोपहर को हमारी सैलरी आई थी। ये लो भाई आ गया है ATM। तो यहाँ पे दो ATM हैं, एक में तो भाई बंदा लगा हुआ है, ये वाला खाली, इसी में चलते हैं। यहाँ पे भाई मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, अगर आप गाड़ी से हो, गाड़ी से उतरना नहीं चाहते हो, ऐसे आराम से शीशा खोलो ऐसे, उसके बाद अपना ये ATM लगाओ। तो भाई गाड़ी से उतरना नहीं है, समझे ना, तो इधर जो है इंग्लिश एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी अपना पिन डाल दिया है, ओके, बैलेंस इंक्वायरी। अभी जो है ये क्या बता रहा है, 3200 बैलेंस लिख के आ गया है, 3200 रियाल और 79 पैसा। तो हमको भाई निकालना है, नो कर देते हैं, अपना कार्ड निकल आया। तो हमारे अकाउंट में अभी टोटल जो है 3200 रियाल है, यानी कि जो है 2000 कल आए थे, उसके बाद 1200 अगले महीने के पड़े हुए थे। तो भाई आप लोग ये मत समझना कि हमारी जो है 3200 सैलरी है, हमारी सिर्फ जो है 2000 है, और ये तो बैलेंस 1200 को जो रियाल हैं ये तो अगले महीने के पड़े हुए हैं। मुझे भाई आज तक जो है 19 महीना हो गया है टोटल, आज कितना 29 तारीख है, आज ही की डेट से मैं अपने घर से निकला था, तो आज पूरे जो है 19 महीना हमको हो गए हैं। इतने दिनों में भाई मेरे हाथ में सैलरी नहीं आई, मतलब कैश जो है मैं कभी नहीं अपने हाथ में सैलरी पाया हूँ। पहले हमारी सैलरी थी 1700 प्लस खाना, तो खाना जो है कफिल अपने मतलब घर से देता था, खाना पका हुआ नहीं, मतलब सामान जो है वो सब देता था, हर चीज़ उसकी थी, बस अपना बना के खाना था, 1700 प्लस खाने का सामान। तो मैं भी ले आता था, ये भी जो है ला के रख देता था, सामान बहुत ज़्यादा बचता था, ख़राब होने लगता था, तो फिर जो है मैं इसको मना कर दिया, मैं बोला कि जो है मुझे तुम खाने का सामान न दिया करो, मुझे जो है पैसा दे दो।
फिर उसने पूछा हमसे कितना पैसा चाहिए, तो फिर मैं सोच समझ के भाई बोला कि जो है 1700 दे रहे हो तो 300 बढ़ा दो, 2000 हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम अपना मैनेज कर लेंगे। तो फिर भाई उसने कहा ठीक है जो तुम चाहे वो करो, ठीक है मैं 300 बढ़ा के दे देता हूँ। तो भाई तुरंत उसने जो है मतलब सैलरी दिया था उसी दिन, मैं उसको बोल दिया था शाम को, तो फिर अपना जो है उसी वक्त जो है उसने 300 ट्रांसफ़र कर दिया, यानी टोटल 2000 हो गए। तो भाई जब से जो है 2000 चल रही है और 6 महीने में हमने जो है ये 300 बढ़वा लिया था। जब भाई मैं घर से आया था तो 6 महीने तक मैं कुछ भी नहीं बोला था, फिर 6 महीने के बाद जो है अपना समझ गया माहौल और इसको भी समझ गया तो मैंने बोल दिया। तो भाई बातें करते करते जो है अभी आ गए हैं बकाला पर, चल के ले लेते हैं रोटी। रोटी रोटी लेना है भाई, खाना तो बना हुआ रखा है, शाम को बनाया था कद्दू की सब्जी चावल, तो खाना ज़्यादा खाया नहीं था, वही रखा हुआ है सब। लेकिन भाई यहाँ की जो मार्केटें हैं या बकाला कुछ भी देख लो, सफाई बहुत रहती है। तो ये भाई रोटी बनी है फजर की, ताज़ी तो बनी नहीं है, तो सुबह की बनी हुई ब्राउन वाली, देखते हैं। ये तो ठंडी ज़्यादा है यार। चलो भाई ये एक पैकेट ले लेते हैं। 3-4 दिन पहले आए थे तो इधर जो है कॉफ़ी जो है इसमें डिस्काउंट में लगी थी, मतलब ऑफ़र में, तो अभी जो है हटा दिया है। यहाँ पे नाइस कॉफ़ी लगी थी, उसका प्राइस जो है हटा दिया है। अभी कौन सी लगी है तो हमको नाम भी नहीं आता है। इधर लगी है यार, हम वहाँ ढूंढ रहे थे, इधर लगी है ये नाइस कॉफ़ी। तो ये लगी है 20 रियाल में, 19.99 रियाल। ये 190 ग्राम है भाई, तो ये कॉफ़ी मस्त होती है। चलो भाई चल के रोटी का पैसा दे देते हैं। तो इसमें जो है 2.54 है ये देखो, और 1.98 है ये देखो, 2.25 पैसा है, 1.50 पैसा। तो भाई अभी खुल गई है धूप, थोड़ा सा धूप ले लें उसके बाद से चलते हैं। पैर पूरे ठंडे हो गए थे यार, एसी चल रही थी गाड़ी की। बताओ हमारी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी खड़ी करके चला गया है, तो ये गलती नहीं करना चाहिए। अब हमको निकलना है, ये बंदा जो है पता नहीं कहाँ चला गया। ये भाई बंदे की बॉडी देखो, खाता हुआ जा रहा है, तगड़ी बॉडी बना रखी है भाई। और जिसकी भाई गाड़ी खड़ी है वो वहाँ पे एटीएम में जो है जुटा हुआ है कुछ, वो भी जो है पैसा ऐसा निकाल रहा इशारा दिया था मेरे को, बोला कि थोड़ा रुक जाओ भैया आ रहा हूँ। आ जा यार भाई, बहुत टाइम लगा रहा है यार, मेरे को निकलना है, देर हो गई, वैसे भी 10 बज गया अभी। तो ये तो मौलाना साहब हैं। गैस भी बज गया है 11:30, तो अब चलते भाई खाना खा लेते हैं, क्योंकि भाई खाना हमारे पास रखा हुआ था तो उसको गर्म कर लिया है। खाना अगर जिसे रखा रहता है तो उसको गर्म कर लेते हैं अपना, 12 बजे से पहले पहले खा लेते हैं, और अगर खाना नहीं रहता है तो फिर बनाते हैं, उसके बाद फिर जो है बच्चों को लेके आते हैं स्कूल से, उसके बाद फिर कहीं खाने को मिलता है। ये भाई शाम की कद्दू की सब्जी बची हुई है, रोटी गर्म कर लिया है, चावल भी गर्म कर लिया है। अब भाई खाते हैं खाना, खाना वाना खा के फिर 12:30 बजे जाएंगे, बच्चों को रिसीव करके ले आएंगे, फिर उसके बाद जो है जाएंगे मैडम को 3:15 बजे रिसीव करने। बच्चों को स्कूल से भाई लेके आ गए हैं, और अभी बज गया है 1:30, तो हमारा जो सामान था वो भी आ गया है बताहा से, 32,000 का भाई पूरा सामान है। ये देखो तो कार्टून में पैक करके लेके आया है बंदा भाई, इसको खोलते हैं। पैकिंग बड़ी तगड़ी किया है। तो ये भाई खजाना इसमें भरा हुआ है, ओफो पूरा कार्टून फुल है भाई। ये है भाई अपना पूरा 32,000 का सामान। गैस भी शाम के भाई बज गए हैं 5:15, तो अभी मैडम को लेके आ गए भाई, 15 मिनट हुआ है, मैडम को छोड़ दिया घर पे और हम चले आए सीधा इधर। तो इधर आ गए थे इसलिए कि जो है अपना क्रिकेट हो रहा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी, तो हम भी थोड़ा सा जो है खेल लेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे हो ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं। अब भाई शाम तक देखा जाएगा, अगर ड्यूटी लगी तो ठीक है, नहीं अपना खा पी के अपना सोएंगे, कल है जुम्मा तो कल के लिए तैयारी करेंगे। तो चलो गाइस फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।